हाय हाय गाइस, गाइस। तो हम जानते हैं कि जब भी आप अपने देश से फॉरेन कंट्री घूमने के लिए जाते हैं तो अपनी टेस्ट और पसंद का देसी खाना मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर तो आप वेजिटेरियन हैं फिर तो आपकी खैर नहीं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में वेज ऑप्शंस बहुत ही कम होते हैं। तो अगर आप दुबई घूमने के लिए आ रहे हैं और आप वेजिटेरियन हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज़ आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे दुबई के वो टॉप प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स के बारे में, जहाँ पर आपको खाना बहुत ही टेस्टी और अफोर्डेबल मिलेगा। तो कौन से हैं वो रेस्टोरेंट, चलिए जानते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करते हैं कामत से, जो कि बहुत पॉपुलर है अमंग वेजिटेरियन पीपल, और इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं इन ऑल दीज प्लेसेस। तो आपको हर एरिया में एक कामत रेस्टोरेंट तो मिल ही जाएगा होपफुली। और इसके मेन्यू में बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शन हैं, जिसमें कि नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इंडो चाइनीज़, सारी वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगी। तो लिस्ट में सेकंड नाम है बीकानेर वाले का, जो कि हमारा फेवरेट इंडियन रेस्टोरेंट है। जब भी हमें छोले भटूरे खाने होते हैं या कोई भी मीठा खाना होता है तो ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट के लिए वी ऑलवेज गो टू बीकानेर वाला। इसकी भी दुबई में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, और अगर मेन्यू की बात की जाए तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारा इंडियन स्ट्रीट फूड मिल जाएगा और टेस्ट एकदम वही इंडिया वाला। और अगर आप इंडियन स्वीट्स के शौकीन हैं तो यहाँ पर आपको सारी इंडियन मिठाइयाँ मिल जाएंगी। तो गाइस, लिस्ट में तीसरे नंबर पर है सरवाना भवन, जो कि साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है और साउथ इंडियन खाना सर्व करता है, जो कि हमारा मोस्ट कंफर्ट फूड है। जब भी हम कंफ्यूज होते हैं कि हम मुगलाई खाएं, इटालियन खाएं, चाइनीज़ खाएं, एंड वी कैंट मेक अ डिसीजन, सो वी ऑलवेज गो टू अ साउथ इंडियन प्लेस, एंड सरवाना भवन इज़ आवर फेवरेट। प्राइस वाइज तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है ही, उसके अलावा साउथ इंडियन के साथ साथ अब ये नॉर्थ इंडियन फूड भी ऑफर करते हैं। तो इसके मेन्यू में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं पूरन मल की, जो कि मुझे लगता है आपको हर एरिया में एक ना एक पूरन मल तो ज़रूर मिल जाएगा। और गाइस, पूरन मल के साथ तो मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, बिकॉज शादी से पहले जब मैं दुबई में अकेले रह के जॉब करती थी तो वेज के लिए पूरन मल और नॉन वेज के लिए गज़ीबो, इन दो रेस्टोरेंट की वजह से ही मैं इतने साल अपने घर के खाने के बिना दुबई में अकेले सरवाइव कर पाई। एंड प्राइस वाइज भी ये बहुत अफोर्डेबल है, तो एक सिंगल बंदा 20 से 25 दरम में, और अगर दो लोग हैं तो 40 से 50 दरम में खाना खा सकते हैं। और गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपके नॉलेज के लिए हम बता दें कि हम दुबई के लिए चीप फ्लाइट्स, होटल, वीज़ाज, टूर सर्विसेज और कस्टमाइज्ड आइटनरी जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही कम प्राइस पर। तो अगर आपके इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। तो गाइज, अब बात करते हैं छप्पन भोग की, जो कि एक जाना माना रेस्टोरेंट है यूएई में फॉर वेजिटेरियंस। तो यहाँ पर भी आपको प्योर वेज में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, अच्छा टेस्ट, अच्छा प्राइस। बट बाकी रेस्टोरेंट की तरह इसकी बहुत सारी ब्रांचेज नहीं हैं दुबई में, बट इफ़ यू फाइंड वन देन यू कैन ईट देयर। तो गाइज, अब बात करते हैं पराठा किंग की, इसकी भी बहुत सारी ब्रांचेज है दुबई में। और अगर आप भी मेरी तरह स्टफ्ड पराठे के फ़ैन हैं, एंड यू कैन हैव पराठा इन लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, देन दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। और इनके पराठों की स्टफिंग इतनी यूनिक होती है जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और प्राइस वाइज ये मिड रेंज में आता है, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव एंड नॉट दैट पॉकेट फ्रेंडली एज वेल। इसके अलावा वेज रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए अगर आप जोमेटो पर जाके अपनी लोकेशन के साथ फिल्टर डालेंगे प्योर वेज का, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस वहाँ पर मिल जाएंगे। और गाइज, अगर आप दुबई आके यहाँ के कुछ लोकल मिडिल ईस्टर्न फूड ट्राई करना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमने एक डिटेल में पूरी वीडियो बनाई है, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर कौन से मोस्ट फेमस स्ट्रीट फूड्स हैं और आपको क्या ट्राई करना चाहिए। डेरा और बर दुबई जैसे एरियाज में आपको वेज रेस्टोरेंट के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और आप में से जिन लोगों की डाइट बहुत ज़्यादा है वो राजस्थानी या गुजराती रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, जहाँ पर अनलिमिटेड थाली सर्व होती है और दिल भर के, पेट भर के खाना खा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ये रसोई घर रेस्टोरेंट लिया है, यहाँ पर आपको पूरा मील बॉक्स 20 से 25 दरम में मिल जाएगा, जिसमें हमारे जैसे दो लोग पेट भर के खाना खा सकते हैं। और अगर आप साउथ इंडियन खाने के शौकीन हैं
तो आराम से 10-15 दिरहम में आपका काम हो जाएगा और आप किसी भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से अपना एक टाइम का मील सस्ते में निपटा सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो गुजराती या राजस्थानी रेस्टोरेंट हैं वो थाली के साथ साथ आला कार्ट भी सर्व करते हैं, बट कॉस्ट वाइज आपको ऑलमोस्ट सेम ही पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप अनलिमिटेड थाली लें और हर चीज़ थोड़े थोड़े पोर्शन में ट्राई करें, जिससे कि खाना बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और गाइज, अगर आप दुबई में खाने पर ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते और बहुत ही कम बजट में अपना खाना खाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी ये वाली वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें हमने बताया है वो सारे खाने जो कि आपको 15 दिरहम के अंदर मिल जाएंगे। और इस वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, सो यू कैन चेक इट आउट। और गाइज, हमने एक नई सर्विस शुरू करी है आस्क मी एनीथिंग के नाम से, जिसमें कि आप दुबई से रिलेटेड किसी भी सवाल का जवाब हमसे पूछ सकते हैं। जैसे कि आप कोई टूरिस्ट हैं और आपको दुबई पे घूमना है और आपके कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल हैं जिसके जवाब आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं, तो आप उन सवालों को हमसे पूछ सकते हैं। या फिर आप जॉब ढूंढने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर सेटल होना है और आपके कुछ सवाल हैं, तो इस तरह के सवालों के जवाब हम आपको दे सकते हैं। तो आप इसके लिए इस ईमेल एड्रेस पर हमें ईमेल करें, वो सारे क्वेश्चंस को आप लिख के कोई टॉप 5 क्वेश्चंस को हमें आप भेज सकते हैं। फिर हम उन सारे सवालों के बारे में रिसर्च करेंगे और उसके बाद एक वीडियो कॉल में आके आपको मौका मिलेगा हमसे मिलने का, और उस वीडियो कॉल में हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और गाइस, क्योंकि हम अपना कीमती वक्त निकाल के इन सारे सवालों के बारे में रिसर्च करेंगे और वीडियो कॉल पर आपको इनका जवाब देंगे, तो ऑब्वियसली ये एक पेड सर्विस होगी। तो अगर आप सीरियस हैं तभी हमें ईमेल करें। और गाइस, अगर आप जैन फूड की तलाश कर रहे हैं तो ज़्यादातर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स में आपको जैन फूड मिल जाएगा, और एज अ रिकमेंडेशन आप साई धाम, वेज वर्ल्ड और माई गोविंदास के रेस्टोरेंट्स को ट्राई कर सकते हैं। और गाइज, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो ये है हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी रियल लाइफ अपडेट से जुड़ने के लिए, जहाँ पर हम बहुत ही क्यूट क्यूट स्टोरीज शेयर करते हैं, लाइक दिस वन। ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत ही मजा आया होगा, और अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप इस इन्फॉर्मेशन की तलाश कर रहे थे, देन यू कैन थैंक अस इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई एम श्योर ये सारे खाने देख के आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आया होगा। और अब वो सारे लोग जो हमें बार बार ईमेल्स करते हैं या वीडियो से कमेंट सेक्शन में पूछते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं कि दुबई में इंडियन वेज रेस्टोरेंट के बारे में बताएं, तो नाउ दे नो कि अगर उनको वेज खाना खाना है दुबई में तो उनको कहाँ जाना है। ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग, ताकि हम इस तरह के इन्फॉर्मेशनल, एंटरटेनिंग और यूजफुल वीडियोस बनाते रहें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Until then, take care, bye bye. Hi guys.